Namaste. Namaste. All right. Happy Deepavali, everybody. Ooh. RRR. RRR. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. You taking care of yourself in yoga, because this is something, I saw a photo that you posted. This is you doing yoga, and this is not doctored at all. This is an actual thing. ये वीडियोस जो आपने अभी देखी, ये सिर्फ रैंडम इंटरव्यूज या वीडियो क्लिप्स नहीं हैं, ये भारत की एक अंदरूनी ताकत का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कौन सी ताकत की बात हो रही है यहाँ? ना ये मिलिट्री पावर है, ना इकोनॉमिक पावर है, ये एक ऐसी पावर है जिसे डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, पर इसका असर देश की पहचान, उनकी डेस्टिनी सब बदल देती है। ये है इंडिया की सॉफ्ट पावर। इस यूनिक पावर पर चाइना सालों से कंट्रोल करना चाह रहा है, पर इंडिया हैज द अपर हैंड एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। आइए समझते हैं इस हिडन पावर को ब्राइट विंग के साथ। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के वर्ड ऑर्डर में हार्ड पावर मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हर कंट्री की प्रोग्रेस को शो करता है, बट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड हैव एन इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड हार्ड पावर कैन नेगेटिवली इंपैक्ट रिलेशंस, तो इसलिए हमें जरूरत होती है सॉफ्ट पावर की। पर क्या है ये सॉफ्ट पावर? अगर मैं आपसे पूछूं आपका हॉलीवुड के बारे में क्या ख्याल है, तो शायद आप ये बोलेंगे कि यार उनसे अच्छी मूवीज तो कोई नहीं बनाता। अगर मैं यूरोप की बात करूंगी तो आप शायद ये बोल सकते हैं कि उनकी क्लीनलीनेस, उनकी हेरिटेज साइट्स शायद ही कहीं दुनिया में मिल पाए। दुबई का टूरिज्म, जापान का एनिमे, और यही है इन नेशंस की सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में बेसिकली हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारा कल्चर, हमारे नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस का रोल सबसे ज्यादा होता है। व्हेन यू आर लव्ड बाय द वर्ल्ड, यू आर आल्सो हर्ड बाय द वर्ल्ड एंड दैट हेल्प्स यू सेट द नैरेटिव और कंट्रोल इट। सॉफ्ट पावर आज जियोपॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसको देश अचीव कर सकता है बाय दीज थ्री थिंग्स। 2007 में चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनाटो ने कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में अनाउंस किया था कि अगर चाइना को ग्लोबल फोर्स बनना है तो उसके लिए सॉफ्ट पावर अचीव किए बिना नहीं हो सकता है। चाइनीज गवर्नमेंट तब से अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने के लिए हर साल करीब $10 बिलियन स्पेंड करती है। US spends roughly over $1 billion on public diplomacy, the same as France and Britain. Countries ki soft power aaj unki hard power se bhi zyada crucial hai to become a global force. You see, today power is not just about which side wins, it is about which story wins. Iska sabse bada example hai US ka Iraq mein invasion, jo US ne successfully kiya with its hard power, but its story did not win. खुद यूएस में और पूरे वर्ल्ड में पब्लिक सेंटिमेंट इस इन्वेशन के खिलाफ थे। 21st सेंचुरी में पावर में एक चेंज देखा जा रहा है। इट्स शिफ्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। 10 साल पहले तक माना जा रहा था कि इस पावर का कंट्रोल चाइना के हाथ में होगा, बट आज इंडिया इस पावर गेम में चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। और अगर सिर्फ सॉफ्ट पावर को देखा जाए तो इंडिया टुडे इज फार मोर लाइकली टू विन दिस गेम ऑफ परसेप्शंस। जानते हैं कैसे? इंडिया आज एक ऐसा देश बन चुका है जो अपने कल्चर और अपनी रूट्स में वापस जा रहा है और उसमें प्राइड भी ले रहा है। इस शिफ्ट में बड़ा हाथ रहा है करंट गवर्नमेंट का, जो पूरे एफर्ट्स लगा रही है इंडियन संस्कृति को दुनिया से मिलाने के लिए। हिस्टोरिकली भी इंडिया का कल्चर ओपन और इंक्लूसिव रहा है। 2500 साल पहले इंडिया गेव रिफ्यूज टू द ज्यूज फ्लीइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट टेंपल। आज इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहां सब धर्मों के लोग सालों से साथ रह रहे हैं, विच अपील्स टू द वर्ल्ड। कल्चरली इंडिया हैज अ लॉट टू ऑफर टू द वर्ल्ड। ज्यादा लोगों को पता नहीं है, पर फिलॉसफी इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी। वेस्ट के फर्स्ट फिलोसोफर थेल्स वाज बोर्न इन द 6th सेंचुरी बीसी, वेयर एज इंडिया में तब महावीर और गौतम बुद्ध थे, और इससे करीब 1000 साल पहले इंडिया में वेदास लिखे जा चुके थे।
इंडिया के पास हैं उसके एंशियंट ट्रेडिशंस ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा जो आज दुनिया भर में फैल रहे हैं और लोगों के लाइफ्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। योगा इंडस्ट्री हर साल 9% ग्रो कर रही है। हमारा म्यूजिक सिनेमा RRR has to win, pride of every Indian. And the Grammy goes to this moment, Shakti. Food. I like the tandoori. Tandoori chicken, tiki, chicken tiki. Chicken tiki masala. Yeah, tiki masala. या कपड़े हों, दुनिया को कुछ यूनिक ही देते हैं, जो कभी और कहीं नहीं देखा गया होगा। और आज इंडिया का कल्चर ग्लोबल स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एंड इट्स विनिंग हार्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिल्म सॉफ्ट पावर का सबसे पावरफुल टूल है जो इन्फ्लुएंस बॉलीवुड ने इंडिया के लिए किया है एंड जैकी चैन ने चाइना के लिए वो कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। बट इफ वी लुक एट जस्ट द नंबर्स, इंडिया हैज द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, बिगर देन हॉलीवुड। आज इंडियंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज और कंट्रीज लीड कर रहे हैं। इंडिया की स्टीरियोटिपिकल इमेज बदल रही है। आज इंडिया में वर्ल्ड क्लास IITs और IIMs हैं। इंडियंस मैथमेटिकल जीनियसेस और सॉफ्टवेयर गुरु से पहचाने जाते हैं। कल्चरली इवन चाइना इज रिच लाइक इंडिया, वो भी एक एंशियंट सिविलाइजेशन है and it also has unique things to offer to the world. But China आज तक अपने culture को ठीक से utilize नहीं कर पाया है as a tool to wield soft power. Why? Because its two other pillars are weak. और ये दो factors की India के सबसे बड़े advantages हैं। China एक democracy नहीं है, politically secretive nature है, जिसकी वजह से internationally China पर trust build करना मुश्किल है। 2020 में चाइना के बिलियनियर जैक मा गायब हो गए थे। 2021 में चाइनीज टेनिस स्टार पेंग शुआई। देयर इज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्रेशंस। वहीं इंडिया एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी है। इंडिया की पॉलिटिकल वैल्यूज सबको साथ लाने में हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। और चाइना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पर चल रहा है। फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो चाइना को एक एग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट नेशन परसीव किया जा रहा है, जिससे सब थ्रेटन फील कर रहे हैं। चाइना कैन नॉट बी लाइक्ड अगर वो और देशों की टेरिटरीज में घुसने की कोशिश करती रहेगी, चाहे वो साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी या फिर इंडिया। आज यूरोपियन यूनियन, US, कनाडा, UK जैसे देशों ने चाइना पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं एंड दे आर टर्निंग टुवर्ड्स इंडिया एज अ ट्रस्टेड पार्टनर। इससे चाइना का एक लौता पावर का सोर्स, उसकी बड़ी इकोनॉमी इज बीइंग इफेक्टेड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना की पॉपुलेशन तेजी से घट रही है, जिस पर चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं बचा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज इंडिया की रियल स्ट्रेंथ दुनिया को दिखा रही है। बाइंग रशियन गैस इज नॉट फंडिंग द वॉर। I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. India tricky situations mein bhi ek principled stand le rahi hai. Whether it is the Israel-Hamas war or the Russia-Ukraine war, aaj itne polarized times mein bhi all sides consider India as a friend, which is not in the case for China. India aaj baaki deshon ki madad karne mein sabse aage hai, chahe wo pandemic mein vaccines pahunchana ho ya Indian Ocean mein pirates और टेररिस्ट से लड़ना हो। When the world needs India, India shows up. इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, all nations thought that the country will break. इतनी डाइवर्सिटी का एक गरीब देश का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। But here we are, as stronger and more confident in ourselves than ever before. India is the land for the better story, a story that is bound to win. आपको क्या लगता है, अगले 10 सालों में इंडिया की ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडिया को कहां तक लेकर जाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।